अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मम्मी यम्मी फूड। आज मैं फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश सीख कबाब, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश कबाब। जो मैंने इसके लिए आधा किलो कीमा लिया है और इसके अंदर मैंने चिकनाई मिक्स करवाई है, दो दफ़ा मशीन में पिसवा लिया था। ये चिकना होना चाहिए वरना कबाब जो है वो अच्छे नहीं बनते। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए इसमें कौन कौन से मसाले डालेंगे। इसके लिए मैंने दो चमचे ज़ीरा लिया है, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। दो चमची गरम मसाला, तीन चमची काली मिर्च ली है मैंने, हसबे ज़ायका नमक लिया, तीन चमची मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इसको हम स्पाइसी हम खाते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा लिया, अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं। दो चमची मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कुछ लोग बेसन डालते हैं और कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो आप जो मर्जी चाहें डाल सकते हैं। और एक चमची मैंने हल्दी पाउडर लिया है, दो चमची मैंने बारीक कूटा हुआ धनिया लिया है, तीन मैंने हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया दो चमची, ये भी हम ऐड कर देंगे इसके साथ। एक डली मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमने हरा धनिया लिया है, हरा धनिया हम थोड़ी सी देर के बाद डालेंगे जब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे। अभी हम इन मसालों को पहले मिक्स कर लेते हैं। इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है कीमे के अंदर ताकि जब हम चॉप करें तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, प्याज भी बारीक कट जाएगी चॉपर के अंदर और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। बाज़ लोग ऊपर से डाल देते हैं कीमे में तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होते। ये इसमें थोड़ा सा ऑयल भी हम ऐड करेंगे, दो चमची के हिसाब से मैंने ऑयल डाल दिया इसमें। अब हम चॉप करने के लिए इसको चॉपर में डाल दें। देखिए बारीक हो चुका है बिल्कुल, मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम चारकोल की धुनी देंगे, हमने एक प्लेट में चारकोल रखा है, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे फौरन और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि स्मेल हो जाए इसके अंदर। हमें कबाब तैयार करने के लिए हमने थोड़ा सा प्याले में पानी लिया है और हम बारबेक्यू स्टिक के अंदर तैयार करेंगे कबाब को। हम थोड़ा सा मैं बैटर लेंगे, इस तरह हम दबाएंगे और फिर इसके अंदर स्टिक के अंदर लगाएंगे और फिर स्टिक में ही लगाते रहेंगे। इस तरह हम कबाब तैयार कर लेंगे सारे। देखिए हल्का सा पानी से आप टच कर सकती हैं हाथ में। पतले बनाने हैं, ज्यादा मोटे बनाने हैं, थिक बनाने हैं, इसी तरह आप कर सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं जिस तरह स्टाइल हो। पतले आपको इसकी तरह शेप देनी हो, इस तरह हम तैयार करेंगे। हल्का हल्का सा पानी लगाते रहेंगे। देखिए मैंने तैयार कर लेंगे कबाब। आप तैयार किए ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें रख देंगे। कबाब जो है ज्यादा मोटे नहीं बनाने चाहिए वरना गलने में परेशानी होती है। अब ये एक साइड से जब हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड से इसको पलट देंगे। अभी हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे, फिर बाद में हम इसको ड्राई करने के लिए हम ढक्कन हटा देंगे। देखें अब हम 5 मिनट हो चुके हैं हमारे कबाब, देखते हैं अब इसको हम एक साइड से हो चुके हैं, हम इसको हम पलट देंगे। देखें ये एक साइड से होने लगे हैं, इस तरह हम इसको बैक साइड से फ्राई करेंगे। अब ये देखें ठीक है,
इस तरह अब 5 मिनट के लिए और रख देंगे ताकि यहाँ से भी स्टीम हो जाए अच्छी तरह। देखिए हमारे यहाँ चारों तरफ से हमारे सीख कबाब जो है वो अच्छी तरह हो चुके हैं। अब हम इनको किसी प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए इसी तरह बाकी के भी मैं कबाब तल लूँगी। ये देखिए चारों तरफ से हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से देखें बाकी के भी कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। इसे भी मैं फ्राई के लिए रखूंगी इसी तरह जैसे मैंने पहले फ्राई किए थे। अब हमारे तुर्की कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। इसे हमने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और बहुत सॉफ्ट बने हैं। देखें इसे हम टेस्ट करते हैं सब कितने मज़ेदार बने हैं। आप भी ट्राई करिएगा, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। उम्मीद है आप तमाम फ्रेंड्स को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।